मेंस से रिलेटेड है ये हमारा तीसरा वीडियो। एक वीडियो अपलोड किया गया, एक वीडियो लाइव किया गया, और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइव में थोड़ा दिक्कत जा रहा था। पहले बता दूं मैं, हम मेंस का मैथमेटिक्स और रीजनिंग को कवर करके आपका दे रहे हैं, सिर्फ मेंस का मैथ रीजनिंग। अगर आप हमारा वीडियो आपको पसंद आता है और मेंस की तैयारी करना चाहते घर बैठे, मात्र उसकी फीस है उसकी मात्र फीस है 1500 रुपये, जहां पे हम आपके मेंस का मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट करके देंगे हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे ये आपका हम करा के देंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपको दिए गए नंबर पे कॉल करके एप्लीकेशन का लिंक लेना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लेना, और आप अपनी क्लासेस ले सकते हो घर बैठे। जो भी स्टूडेंट करना चाहता है, इसका मैथ्स वीक है, इनका अच्छा है, उनको कोई करने की जरूरत नहीं, जिनका वीक है उनको जरूरत है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ डेमो वीडियो के रूप में, कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और हम उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पहला। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, देखेंगे ये आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या है? रूट 12 के अंदर, फिर एक ठो रूट 12 के अंदर, ये रूट 12 प्लस डैश 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 इक्वल क्वेश्चन मार्क। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, बहुत तरीका है, आप समझिए। इसमें आप यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस देख रहे हैं, आपको समझना है। देखो क्वेश्चन आपको वहां पे दिख भी रहा होगा, क्वेश्चन उस तरफ आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, आपको क्या समझना है यहां कहने कि मैं इसमें क्या जोड़ूं कि वो आपका स्क्वायर बन जाए। देखो प्लस का साइन है, किसी को भी ले लो ना, 12 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा वो हो जाएगा रूट 16, और आंसर क्या आएगा? 4। तो आप जो जोड़ेंगे वही आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, बात समझ आई? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तो आपको चीजें समझ आएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहां पे दिखेगा ना, क्वेश्चन आपको जहां मिटा रहा हूं यहां पे दिखेगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या है देखो, 2 मिनट ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हाँ, ये रूट बीस आपको दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसका आंसर क्या आएगा, आप समझना। रूट बीस प्लस रूट बीस दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ऐसा कौन सा अंक जोड़ेंगे कि ये स्क्वायर बन जाए? जाहिर सी बात है, अगर आप रूट बीस में 5 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 25 बन जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? 5। मतलब आप जो जोड़ेंगे वही आपका आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से इससे सरल तो कुछ नहीं है, और हम ऐसे पढ़ाएंगे कि वहां से आपको नंबर मेंस के एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, मैथ्स और रीजनिंग में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, उसका अंतर 20 है, संख्या क्या होगी? एक चीज याद रखिए, जब भी प्रश्न में आपका योगफल और अंतर दिया हो, और इस तरफ आप लिख लीजिए अंक को, अंक क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, अंक दिया है 50 और 20, क्वेश्चन में अंक 50-20 दिया है, तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करना। योगफल मतलब एक बार जोड़ दो, 20 और 50 कितना हो जाएगा? 70। अंतर बोले तो एक बार घटा लो, कितना हो जाएगा? 30। अब दोनों को दो दो से डिवाइड कर लो, तो एक संख्या 35 और एक संख्या 15 आएगा। आप इसको एक्स और वाई मान सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यह क्वेश्चन भी चुटकी में बन गया आपसे। अगर आप ऐसे ही सवाल करना सीख गए तो मेंस का हर एक चैप्टर आप वहां से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं। देखो ये आपको मैं क्लियर कर दूं, मेंस का डेमो वीडियो है मैथ्स और रीजनिंग का, जिसको भी ज्वाइन करना है वो कॉल करके ज्वाइन कर सकता है। फीस बता दे रहा हूं मैं आपको, 1500 रुपए है, जहां पे रीजनिंग और मैथ्स हम पूरा क्लियर करा के देंगे एप्लीकेशन के माध्यम से, आप वीडियो को डाउनलोड भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए
अगला देख लेते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो आपसे निकले भी कम से कम, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। जैसे कि आप ले लीजिए ये क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में कराया था, मैं उसको ले लेता हूं मैं, ताकि आपको चीजें समझ आए। चलिए इसको करा चुका हूं ना, तब भी एक बार देख लो, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए समझना, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्या है, 21, 11 और ये 25, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा किसके बराबर है। देखो साइन, देखो प्लस प्लस का साइन है, देखो 25 रूट के अंदर में, रूट से बाहर आएगा तो क्या बना लेगा, 5, 11 5 कितना हो जाएगा 16, 16 रूट से बाहर आएगा तो क्या बना लेगा 4, और 11 4 25, 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, आपका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी हो गया होगा तो उसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो आप, 25 निकला यहां से, 25 निकला मतलब 25 का 5 निकला, 5 जोड़ो 16, 16 रूट के अंदर है 4 निकला, 4 जोड़ो 25, 25 रूट के अंदर कितना निकलेगा बाहर 5। तो कुछ इसी प्रकार के सवाल मैं आपको अपने एप्लीकेशन के माध्यम से, अपने YouTube के माध्यम से, अपने टेलीग्राम के माध्यम से आपको दूंगा। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है CGPSC मेंस का मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स, नया बैच, दिए गए नंबर पर कॉल करिए। आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, डेमो था, बाकी डिटेलिंग वीडियो आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर जाएगी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।